मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे बीजेपी में भगदड़ का माहौल है। भाजपा के कई नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस की ओर रुख कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में शिवपुरी जिले से ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक नेता राकेश गुप्ता ने बीजेपी छोड़ दी है। उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामने का ऐलान किया है। राकेश गुप्ता ने 26 जून को भोपाल में कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने का फैसला लिया है। सिंधिया समर्थक नेता माने जाने वाले राकेश गुप्ता ने बीजेपी से अपना इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने के बाद राकेश गुप्ता ने कहा, वो बीजेपी में जाने के बाद अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे। बीजेपी में उनका कोई सम्मान नहीं था, वो तो सिंधिया जी के साथ बीजेपी में चले गए थे, जिसके कारण उनका 40 साल का राजनीतिक करियर दागी हो गया। बीजेपी में उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वो अपनी घर वापसी कर रहे हैं और कांग्रेस में जा रहे हैं। इस्तीफा देने वाले राकेश गुप्ता शिवपुरी में कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साल 2020 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने का निर्णय लिया था। राकेश गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस उनका पुराना परिवार है, उनके पिता स्वर्गीय सवलदास गुप्ता शिवपुरी नगर पालिका के 3 बार अध्यक्ष रहे, वो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा शिवपुरी विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर सवलदास गुप्ता ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। बताया जा रहा है कि राकेश गुप्ता शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ सकते हैं। हालांकि टिकट को लेकर कांग्रेसी लीडरशिप ने उन्हें कोई बड़ा आश्वासन नहीं दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में 30,000 वैश्य वोटर को देखते हुए कांग्रेस उन्हें उम्मीदवार बना सकती है। शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ और वर्तमान में खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया विधायक है। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।